बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम नवीद अहमद नवीद, योर केमिस्ट्री टीचर। और इस वक्त हमारा ये जो लेक्चर है वो है नाइन्थ केमिस्ट्री, चैप्टर वन है फंडामेंटल्स का। इसका हमारे पास ये लेक्चर है, टॉपिक हमारा है रिलेटिव एटॉमिक मास। डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज़ होती है, एटॉमिक मास यूनिट जो है वो इसका क्या मतलब होता है। इसके अलावा हम रिलेटिव एटॉमिक मैसेज जो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और एंड पर एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से जो बन सकते हैं उन पे डिस्कशन होगी। तो गौर से समझिएगा, टॉपिक की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये याद रखिएगा कि एटम मटेरियल पार्टिकल है, मैटर है, और हमने मैटर की डेफिनेशन में ये बात पढ़ी हुई है कि मैटर वो चीज़ है जिसका कोई ना कोई मास होता है, कोई ना कोई वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसका मतलब है कि अगर एटम मैटर है तो इसका भी कुछ ना कुछ मास जो है वो होना चाहिए। और अपनी डेली लाइफ में नॉर्मली जो है वो हम लोग जो किसी भी चीज़ का मास है उसको ग्राम या किलोग्राम में मेजर करते हैं। लेकिन एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एक छोटा पार्टिकल है, जबकि उसके मुकाबले में ये वाले जो ग्राम और किलोग्राम के यूनिट्स हैं ये बड़े यूनिट्स हैं। तो एटम का मास इन यूनिट्स के अंदर बहुत बहुत लीस्ट आता है, बहुत कम आता है, बहुत स्मॉल वैल्यू आती है। तो एक तो ये है कि एटम को ग्राम और किलोग्राम में वे करना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, और दूसरी बात ये है कि अगर फर्ज करें हम वे कर भी लें तो ये वैल्यू क्या आएगी, बहुत स्मॉल वैल्यू आएगी, और इतनी स्मॉल आएगी कि इन वैल्यूज को हम लोग प्रैक्टिकली जो है वो कहीं यूज कर ही नहीं सकते, कैलकुलेशन में भी आमतौर पर यूज नहीं करते क्योंकि बहुत स्मॉल वैल्यूज होती हैं। कितनी स्मॉल है, ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ है कि एक एटम जो है उसका जो मास है एटम्स का, उसकी जो रेंज है बेटा वो है 1.67 × 10⁻²⁴ × 10⁻²⁴ ग्राम के, 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम से लेके 4 × 10⁻²⁰ ग्राम तक एटम्स, डिफरेंट एटम्स का मास हो सकता है। अब ग्राम में तो हम मास लेते नहीं हैं, तो फिर हम किस तरीके से जो है वो एटम्स का मास निकालते हैं। तो याद रखिए बेटा, बड़ी कॉमन सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। फर्ज करें हम बाजार जाते हैं, हम दुकान वाले को कहते हैं कि हमें 1 किलो चावल दे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने लिए हुए हैं, दुकान से चावल लेते हैं, तो क्या तरीकाकार होता है कि वो चावल जो है वो हमें वैसे ही नहीं डाल के दे देता, बल्कि वो चावल हमें तोल के देता है। अब ये बेटा जो तोलना है इस पे भी ज़रा गौर करें कि तराजू के एक तरफ उसने एक वेट रखा होता है, वो जो वेट है 1 kg, 2 kg, 3 kg, वो वेट क्या है, वो स्टैंडर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि दुकानदार जो है हमें कोई भी चीज़ उस वेट के साथ कंपेयर करके देता है। अगर हमें कोई चीज़ 1 किलो चाहिए तो वो 1 किलो वाला वेट जो है वो रखेगा, अगर हमें आधा किलो चाहिए तो वो आधा किलो वाला वेट रखेगा, अगर हमें 2 किलो चाहिए तो वो 2 किलो वाला वेट रखेगा। यानी उसने हमारी जो रिक्वायर्ड चीज़ थी उसको वेट के साथ कंपेयर करके दिया। तो इसी तरह से हम भी तो एटम का वेट या मास पे बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने एटम्स के मैसेज को भी कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। और वो जो स्टैंडर्ड हमारे पास है एटम के मैसेज को कंपेयर करने के लिए, वो हमारे पास है कार्बन 12। वो स्टैंडर्ड हमारे पास कौन है, कार्बन 12, कार्बन 12 का एक एटम। हम बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स के जो मैसेज हैं उनको कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कार्बन 12 के एक एटम के साथ
किसी भी एटम के मैस को जब आप कंपेयर करके निकालेंगे तो वो जो मैस है वो रिलेटिव एटॉमिक मैस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मैस। हमने डेफिनेशन लिखी है कि मैस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटम एज कंपेयर टू द मैस ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मैस एज कंपेयर टू मैस ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, कि कार्बन 12 के एक एटम के मैस से जो कंपेयर किया गया है वो मैस जो है वो क्या कहलाता है? रिलेटिव एटॉमिक मैस कहलाता है। रिलेटिव एटॉमिक मैस से हम ये फाइंड कर लेते हैं कि कोई भी जो एटम है वो कार्बन 12 के एक एटम से कितना लाइट, कितना हल्का या कितना भारी है। फर्ज करें हम एक तराजू सा बना लेते हैं। इस तरफ जो है वो हम रखते हैं कार्बन 12 का एक एटम। कार्बन 12 का एक एटम है ये हमारे पास। अब दूसरी तरफ जो है वो हम रखते हैं हाइड्रोजन का एक एटम। दिस इज वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तराजू को आपको पता है वे करते हुए तराजू को बैलेंस करना पड़ता है। तो एक एटम हमने हाइड्रोजन का रखा तो पता चला जी कि नहीं कार्बन हेवियर है। दूसरा एटम रखा फिर भी कार्बन हेवियर है, तीसरा रखा फिर भी हेवियर है, चौथा रखा फिर भी हेवियर है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने करते करते 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन जब इस तरफ रखे तो ये तराजू बैलेंस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन के 12 एटम्स के बराबर है। कार्बन के एक एटम का जो मैस है वो हाइड्रोजन के 12 एटम के बराबर है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपके पास कार्बन का एक एटम है उसका मैस हाइड्रोजन के एटम्स के 12 टाइम्स ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के हर एटम का जो मैस है वो 1 होगा। वो क्या होगा? 1 होगा। तो 12 एटम्स का मैस जो है वो 12 हो जाएगा, तब जाके वो कार्बन के एक एटम के बराबर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक रफ सी एग्जांपल है ये कि हमने कंपेयर कर लिया कार्बन 12 के एटम्स के साथ दूसरे एलिमेंट के एटम्स को। इस तरीके से हमारे पास जो क्वांटिटी निकलती है वो रिलेटिव एटॉमिक मैस कहलाती है। और रिलेटिव एटॉमिक मैस का जो यूनिट होता है वो है एटॉमिक मैस यूनिट। मतलब किसी भी चीज का जब हम रिलेटिव एटॉमिक मैस लिखेंगे तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे? एएमयू। फॉर एग्जांपल, आपके सामने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मैस है 1.008 एएमयू, एटॉमिक मैस यूनिट। सिमिलरली नियॉन है तो इसका मैस, रिलेटिव एटॉमिक मैस 20.179 एएमयू। तो एएमयू एटॉमिक मैस यूनिट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मैस। अब जरा एटॉमिक मैस यूनिट को डिफाइन कर लेते हैं कि ये क्या चीज है। तो याद रखिए बेटा, एटॉमिक मैस यूनिट जो है ना, ये अगर हमारे पास कार्बन 12 का एक एटम है तो उस एक एटम के मैस का जो 12th पार्ट है, 12वां हिस्सा है, वो है एएमयू, 1 एएमयू। आई रिपीट कि कार्बन 12 के कितने एटम? एक एटम। तो उस एक एटम का जो मैस है, आपको पता है 12 है, तो उस एक एटम का जो मैस है उसका 12वां हिस्सा 1/12 पार्ट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मैस यूनिट। अब इस एटॉमिक मैस यूनिट को हमने कंपेयर करना है ग्राम और किलोग्राम के साथ। तो कैसे कंपेयर करेंगे? तो देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने कहा कि 1 एएमयू दिस इज इक्वल टू मैस ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इनटू 1/12। एक एटम कार्बन के एक एटम का जितना मैस है उसका 12वां हिस्सा क्या कहलाता है? 1 एएमयू कहलाता है। अब कार्बन के एक एटम का मैस कितना है, इस बात को बहुत गौर से आपने समझना है। डियर स्टूडेंट्स, कार्बन के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं मोलर मैस की। किसी भी एलिमेंट के मैस के लिए एक टर्म यूज की जाती है मोलर मैस। मोलर मैस का मतलब होता है कि अगर किसी चीज का एक मोल है तो उसका जो मैस है, अब मोल को हम आगे पढ़ेंगे, एक मोल, 1 मोल जो है, बस इसमें इतना याद रखें कि 6.02 into 10 raised to power 23
एटम्स होते हैं। तो कार्बन का मोलर मास है 12 ग्राम पर मोल। मतलब क्या हुआ कि अगर कार्बन के 12 ग्राम तो उसके अंदर पार्टिकल्स कितने होंगे, एटम्स कितने होंगे, 6.023 × 10⁻²³ एटम्स होंगे। तो 12 ग्राम जो है वो इतने पार्टिकल्स का मास है। तो यहां हम पुट करते हैं कि कार्बन का जो मास है वो है 12 ग्राम कितने एटम्स का, 6.02 × 10⁻²³। ये हो गई इसकी वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 1/12। अब 12 को डिवाइड करते हैं 6.02 से तो ये हमारे पास आंसर आता है 1.99। और ये 10⁻²³ ये जब ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाता है तो ये हो जाएगा 10⁻²-23 मल्टीप्लाई बाय 1/12। अब इन दो चीजों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 1.67 × 10⁻²-24 ग्राम। अब इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम जो है वो 1000 से डिवाइड करते हैं और 1000 का मतलब होता है 10⁻³। तो इस क्वांटिटी को जब हमने 10⁻³ से डिवाइड किया तो ये 10⁻³ जब बेटा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻³-3। तो −24 × 10⁻³-3 ये हो जाएंगे 10⁻²-27 और यूनिट क्या हो जाएगा, केजी। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट और उसके साथ साथ ग्राम्स में हमने एटॉमिक मास यूनिट को कन्वर्ट कर दिया। अब आते हैं कि अगर हमें यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आए तो डियर स्टूडेंट यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है और वो शॉर्ट क्वेश्चन है ये रिलेशनशिप बिटवीन AMU एंड ग्राम एंड किलोग्राम। क्वेश्चन क्या होगा कि हाउ विल यू कन्वर्ट एटॉमिक मास यूनिट इनटू ग्राम और किलोग्राम, हाउ विल यू कन्वर्ट 1 AMU इनटू ग्राम एंड किलोग्राम। ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है और वो कैलकुलेशन आपके सामने मैंने कर दी है। इसी तरह से MCQs की जहां तक बात है तो यहां से बेटा जो MCQs आपको आएगा वो भी अक्सर यही यहां से MCQs आता है और वो MCQs आपको जो आएगा वो आता होता है कि 1 AMU इज इक्वल टू, 1 AMU इज इक्वल टू ऑप्शन ए 6.6 × 10⁻³-30 ग्राम, ऑप्शन बी 1.6 × 10⁻²-27 ग्राम, ऑप्शन सी 1.6 × 10⁻²-24 किलोग्राम एंड ऑप्शन डी 1.6 × 10⁻²-27 किलोग्राम। तो ये आपके पास ये याद रखने वाली बात है जो अभी हमने कैलकुलेट भी की है कि जो 1 AMU है वो है 1.6 × 10⁻²-27 किलोग्राम। तो ये वाला आपको MCQs जो है वो पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक इस वक्त का जो है वो छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।